मैं रोहिणी वाल्यगांव से आपको बताना चाह रही हूँ, हमारे यहाँ महिला बचत गट के माध्यम से ग्रामीण भाग की औरतों को काफ़ी मदद हुई है। इस कारण मैं और मेरे गांव की महिला आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो पाई है। कुछ महिलाएं तो बचत गट के माध्यम से ही अपने पैरों पर खड़ी हुई है। बचत गट के माध्यम से ही जो अनपढ़ महिला है उनके अंदर आत्मविश्वास निर्माण हुआ है और महिलाएं घर के बाहर जाने निकली है। बचत गट ने महिलाओं को सूरज का किरण दिखाया है। तुमच्या लग्नाला किती वर्ष झाली? 16। तुम्ही लग्न झालं की घरा बाहेर जात होता? नव्हते। कुठल्या माध्यमातून तुम्ही घराच्या बाहेर जा लागला? बचत गटाचे। बचत गटाचे काय फायदे झाले तुम्हाला? काय फायदे झाले? दुकान टाकलं, कर्ज हे करून हे केलं, दुकान टाकलं, त्यातून स्वतः मी कमवायला लागले, मी माझ्या स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकले, ह्याचा मला आनंद झाला। गटाचे भरपूर फायदे झाले, म्हणजे गटामुळे मैत्रिणी वाढल्या आणि गटामुळे म्हणजे आपलं सगळं जेवढं सुख दुःख आहे त्यामुळे मैत्रिणींमुळे ते पण कमी झालं। जे आपण घरात बोलू शकत नाही ते मैत्रिणींच्यात बोलतो, कधी वेळ प्रसंगी आपल्याला त्याही मदत करतात। आमचा व्यवसाय कुंभार धर्म म्हणल्यावर आम्ही आपलं संक्रांत गट आकृती चित्र बैल गणपतीचा हा माझा व्यवसाय चालू आहे सध्या। आता म्हणजे तुम्ही गटातनं पैसे वगैरे घेतले का? ये बचत गट के कारण तो सावकार नाम ही मिटने लगा है। पहले हमें न बताकर हमारा पति कर्जा ले आता था और पूछने पर कहता था तुम्हें क्या बताना है, तुम क्या दोगी, मगर अब कहता है बचत गट से कर्जा लो, उस पैसे को ज्यादा ब्याज नहीं होता। तुम्ही गटाच्या अगोदर बँकेत कधी गेलता? हो नाही, कधी नाही। आता जाता? हो आताच जाते भरणा करायला, मध्ये आधी होता सारखं वैयक्तिक वैयक्तिक पुस्तकासारखं, म्हणजे जातेस। तुम्हाला आता कसं वाटतंय, म्हणजे मदत होते असं पहिलं कसं सावकाराकडनं घ्यायचं ते बी, मग आता कसं वाटतंय तुम्हाला? मला एकदम उत्तम वाटतंय की कसं आहे आता आपल्याला काहीतरी बचत गटापासून फायदा होतोय, आपल्याला दुसरीकडे जायला गरज लागत नाही, बचत गटाकडून आपण हक्काने जाऊ शकतो। बचत गट के माध्यम से ही महिलाएं कुछ अपने सपने साकार कर रही है। ग्रामीण महिलाओं को जिनकी स्थिति आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर है उनको महिला बचत गट उच्च धारात्मक ले जा सकता है। बचत गट ग्रामीण अनपढ़ गांव में होने ही चाहिए। मैं खुद रोहिणी भी महिला बचत गट के माध्यम से ही घर के बाहर निकली और वीडियो वॉलंटियर्स तक पहुँची। सच में महिला बचत गट महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर समाज में सर उठा के जिंदगी गुजरने को सिखा सकता है। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के वल्लेगांव से, इंडिया अनहड़ के लिए।